Okay, student, now what is the question? The mean of 35 observation is 20. See student, हमने last lecture तक हमने देखा था how to find mean, how to find mode and how to find median, है ना? Mean, median and mode. Now, see what is the formula of mean? आपको यहाँ पे mean का formula क्या है? Yes, mean is equals to sum of ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. नाउ स्टूडेंट, अभी यहाँ से आपको जो क्वेश्चन है, यहाँ पे मीन इज ऑलरेडी गिवन, तो आपको यहाँ पे मीन फाइंड नहीं करना है. सी स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे हम न्यू फॉर्मूला भी हम फॉर्म कर सकते हैं. सी हाउ, सी वी नो व्हाट इज मीन, मीन फॉर्मूला. यस, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ All observations upon number of observations. जो observations है उन सबका sum और total कितने हैं divided by this. Okay? Now student, अब आपको ये जो example है यहाँ पे, इसके बाद जो 8th है, 9th है, 10th है, यहाँ पे आपको mean is already given, तो आपको वहां पे mean नहीं find करना है. तो अगर मीन फाइंड है पहले से, अब इन दोनों में से आपको एक फाइंड करना होगा. अगर सपोज आपको सम फाइंड करना है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सम, क्या होगा फिर? ये मैक्सिमम टाइम यूज होता है स्टूडेंट सम का फॉर्मूला फ्रॉम मीन. इफ मीन इज गिवन, हाउ टू फाइंड सम ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो स्टूडेंट, सम ऑफ ऑल, या जितने देंगे आपको नंबर देते हैं, सम ऑफ ऑल observations is equal to, always remember student, mean multiply by number of observations. See student, आपने जहां पे mean का formula लिखा है ना, वहां पे ही ये formula आप note down करो, क्योंकि ये भी again आपको maximum time use होने वाला है. या हम उसी पर से निकाल सकते हैं, अगर हमको मीन याद है ना, तो मीन पर से सम. सी, मीन सम निकालना है, तो सम डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में है, और ये डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये बीच में इक्वल है, यहाँ पे अपॉन कुछ नहीं, मीन्स वन, तो दिस मल्टीप्लाई बाय वन एंड मीन मल्टीप्लाई बाय दिस. तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? यस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू मीन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो स्टूडेंट, जब भी आपको मीन क्वेश्चन में दिया है सम फाइंड करना है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं सम ऑफ, अगर 20 ऑब्जर्वेशन है, 30 ऑब्जर्वेशन है, तो सम ऑफ 30 ऑब्जर्वेशन मीन इनटू 30, सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन मीन इनटू 50, सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन मीन इनटू 10. इज दैट क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ गया? नाउ मूव टू अवर क्वेश्चन. व्हाट इज क्वेश्चन स्टूडेंट? इन द क्वेश्चन मीन इज ऑलरेडी गिवन, मीन इज ऑलरेडी गिवन. व्हाट इज क्वेश्चन स्टूडेंट? मीन ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन. सी व्हाट इज गिवन, फर्स्ट राइट गिवन. मीन ऑफ 35 observations is equals to 20. It is given in the question. Now again, out of which mean of first 18 observation, again mean of first 18 observation, it is also given. Mean, again what is given? Mean of first 18 observations is equals to how much student? It is given in the question. Yeah, it is 15. And again, one more mean is given, and mean of, yes, last 18 observations. And it is
what is given? And mean of last 18 observation is 25. Find the 18th observation. आपको क्या find करना है? To find what? 18th observation. See student. First mean of 35, mean of first 13, last 13 and to find 18th observation, 18th position पे जो number है. See student, mean sum upon observation, मतलब कितने numbers हैं, यहाँ पे हम ऊपर क्या लिखते हैं, sum में observation number लिखते हैं, है ना, all observation जो भी रहेंगे, divided by number of observation. तो आपको यहाँ पे 18th observation निकालना, 18th position पे, 18th observation पे कौन सा number है. So see student, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, यहाँ पे आपको 18 ही क्यों बोला है, see total there how many observation, simple करो, total 35 है, okay, now, अब 35 है, इसका मतलब इसमें 18th position भी है, total कितने positions है यहाँ पे, 35, उसमें 18th वाला भी present है, now, first 18, मैं 18th वाला प्रेजेंट है स्टूडेंट, ऑब्वियसली 18th वाला प्रेजेंट होगा, एंड लास्ट 18 उसमें प्रेजेंट होगा 18th वाला, यस ऑब्वियसली उसमें भी प्रेजेंट होगा. फर्स्ट 18 में सी आगे 19th 20th नहीं आएंगे, 18 पे खत्म होगा, और जब स्टार्ट में आएंगे तो फर्स्ट सेकेंड नहीं आएंगे, लास्ट में 20 तक आएगा. तो यहाँ पे जो 18th नंबर होगा ना स्टूडेंट, फर्स्ट 18, लास्ट 18, तो कॉमन क्या रहा है यहाँ पे, यस 18, 18 इज कॉमन जो दोनों में आएगा, यहाँ भी रिपीट हो रहा है वहां भी रिपीट हो रहा है, दोनों में आ रहा है 18th ऑब्जर्वेशन. तो सी स्टूडेंट, एक तो 18 हमको चाहिए जो के 35 में भी है. सपोज स्टूडेंट इसका हम सम निकालेंगे, इन सब का नंबर का सम, एक्चुअल नंबर का सम कितना आता है, फिर क्या करेंगे, इसका भी सम निकालेंगे, फर्स्ट 18 नंबर को ऐड करने पर क्या आता है और लास्ट 18 नंबर को ऐड करने पर कितना सम आता है, देन हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इन दोनों को ऐड करेंगे, फर्स्ट 18, लास्ट 18, तो 18 प्लस 18 कितना होगा स्टूडेंट, फर्स्ट 18, लास्ट 18, 18 प्लस 18 36, इन दोनों को ऐड करने पर क्या होगा, 36 नंबर होंगे, लेकिन हमको तो पता है देयर आर ओनली 35, तो एक एक्स्ट्रा कहां से आ गया स्टूडेंट, है ना, टोटल नंबर कितने हैं, ऑब्जर्वेशन मतलब टोटल नंबर कितने हैं, 35, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे 18 प्लस 18 इट इज 36, तो 36 आ रहा है और एक्चुअल है 35, इसका मतलब एक क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है ना, समझ में आ रही बात, एक वन इज एक्स्ट्रा और जो डबल हो रहा है, क्योंकि 36 में से 35 माइनस करेंगे तो वन ऑब्जर्वेशन मिलेगा और जो के रिपीट हो रहा था, और विच वन इज रिपीटिंग, यस 18th पोजीशन, तो हम जब डिफरेंस माइनस करेंगे तो हमको 18th वाला मिल जाएगा. सी देखने का लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट हो, लग रही है बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, सम ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन, देन सम ऑफ लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, फिर ये सम ऑफ इन दोनों को ऐड करेंगे, तो वी गॉट सम ऑफ 36 ऑब्जर्वेशन, बट एक्चुअली देर आर ओनली 35, सो माइनस 36 माइनस 35 रिमेनिंग इज द 18th ऑब्जर्वेशन, इज दैट क्लियर स्टूडेंट, ना राइट, नो फर्स्ट वॉच हाउ आई एम कैलकुलेटिंग, देन आफ्टर वॉचिंग होल स्टेप वन बाय वन, देन you again rewind the video, again watch one more time and then pause it and try to solve yourself. Now student, तो हम कैसे start करेंगे? Yes, हमको sum निकालना है. Now, first, sum of 35 observations.
स्टूडेंट मैंने बताया था सम का फॉर्मूला क्या है, यस मीन मल्टीप्लाई बाय यस नंबर ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन या मीन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सी स्टूडेंट 35 का मीन कितना है 20 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 35। सो 20 × 35 सी वो सिंपल है जीरो एज इट इज नॉट टू हो गया। अब 2 से 35 को 2 × 5 = 10 कैरी 1 2 × 3 = 6 प्लस कैरी 1 = 7 सी जीरो एज इट इज दैट इज 35 35 × 2 = 70 सो दिस इज मीन ऑफ यस 35 ऑब्जर्वेशन। नाउ कैलकुलेट सॉरी सम ऑफ 35 नाउ कैलकुलेट सम ऑफ फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन पहले 18 आने वाले नंबर्स का सम। अगेन व्हाट इज द फॉर्मूला यस सेम मीन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। स्टूडेंट थोड़ा सा स्टेप ज्यादा है लेकिन वेरी सिंपल। नाउ स्टूडेंट फर्स्ट 18 का मीन कितना है इट इज गिवन फर्स्ट 18 का मीन 15 और 18 है तो मल्टीप्लाई बाय 18। नाउ स्टूडेंट 15 का टेबल इजी है या 18 का टेबल आपको जो आता है वो 18 का आएगा तो 18 × 5 = 90 कैरी 9 18 × 1 = 18 18 + 9 इट इज 27 तो 270। सी स्टूडेंट अगर आपको ऐसे मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा है तो आप वर्टिकली भी 15 15 8 = 120 15 1 = 15 15 + 12 yes it is 27 is that clear student? No. Now student अब आप मुझे बताओ अभी आगे हमको क्या फाइंड करना है। Now yes tell me yes very good आप समझ में आ गए ना आपको हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट। नाउ सम ऑफ लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन सम ऑफ लास्ट 18 ऑब्जर्वेशंस एंड इट इज अगेन इक्वल टू मीन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सी व्हाट इज द मीन ऑफ लास्ट 18 25 तो 25 मल्टीप्लाई बाय 18 अगेन 18 ही है सो हाउ मच 20 इज 18 18 5 = 90 कैरी 9 18 × 2 = 36 36 + 9 36 + 9 so it is 450 ओके स्टूडेंट अब हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट। यस हमने सम फाइंड किया सम ऑफ 35 सम ऑफ फर्स्ट 18 एंड सम ऑफ लास्ट 18 हमें 18th ऑब्जर्वेशन निकालना है ना। देयरफॉर 18th ऑब्जर्वेशन इक्वल टू कैसे आएगा स्टूडेंट यस हम पहले सम ऑफ इन दोनों की एड करेंगे सम ऑफ फर्स्ट 18 या पहले वो ही करेंगे हम फिर लास्ट में करेंगे यस फर्स्ट वी विल डू सम ऑफ फर्स्ट 18 एंड सम ऑफ लास्ट 18 सम ऑफ फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशंस प्लस सम ऑफ
लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन फर्स्ट यस 270 एंड इट इज 450. सो स्टूडेंट टोटल हाउ मच इट इज 0 प्लस 0 0 7 प्लस 5 12 कैरी 1 और 4 5 6 7 तो इट इज स्टूडेंट 720. तो कितना हो गया ये 720. देयरफॉर 18th ऑब्जर्वेशन कैसे आएगा स्टूडेंट. यस सम ऑफ लास्ट एंड फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन क्योंकि ये दोनों क्या हो गए स्टूडेंट टोटल 18 प्लस 18 फर्स्ट लास्ट एंड फर्स्ट लास्ट एंड सॉरी फर्स्ट 18 एंड लास्ट 18 फर्स्ट 18 लास्ट 18 मीन 36. तो ये सम ऑफ 36 ऑब्जर्वेशन हुआ बट एक्चुअली कितने हमारे पास यस सम ऑफ 35 ऑब्जर्वेशंस. तो इसमें वन नंबर क्या होगा स्टूडेंट रिपीट होगा एंड दैट इज 18th पोजीशन. तो इसकी सम कितनी है स्टूडेंट हमने फाइंड किया 720 माइनस और सम ऑफ फर्स्ट 35 इट इज 700. तो माइनस करेंगे तो स्टूडेंट 20. सो द 18th ऑब्जर्वेशन इज 20. इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट आपको सबको समझ में आ गया. नाउ आई विल एक्सप्लेन वन मोर टाइम. सी स्टूडेंट सबसे पहले इंपॉर्टेंट है यस टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड. फर्स्ट क्या दिया है और हमें क्या फाइंड करना है. इन दिस इक्वेशन इन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट यू हैव ऑलरेडी गिवन द मीन तो आपको यहाँ पे मीन फाइंड नहीं करना है ओके. और इंफॉर्मेशन क्या है सी आई एम राइट इन द बोर्ड ऑन द बोर्ड सी स्टूडेंट गिवन व्हाट इज गिवन मीन ऑफ 35 ऑब्जर्वेशंस 20. 35 टोटल नंबर है उनका हम मीन निकालेंगे. मीन कैसे निकालते हैं उन सब की नंबर्स हमको नंबर्स पता नहीं है स्टूडेंट ना नंबर्स हमको पता नहीं है सिर्फ उनका मीन पता है कि 35 नंबर्स को लिखकर उनका एडिशन किया है और डिवाइडेड बाय 35 किया है तो 20 आया है. अगेन इस 35 में से जो 35 है ना फर्स्ट 18 का मीन आता है 15 और लास्ट 18 का मीन आता है 25. इसी को 35 को दो में डिवाइड किया है फर्स्ट 18 लास्ट 18. लेकिन फर्स्ट 18 लास्ट 18 में रिपीट कौन हो रहा है स्टूडेंट रिपीट कौन कर रहे है 18 मतलब 18 फर्स्ट 18 में भी आ रहा है और लास्ट 18 में भी डबल डबल आ रहा है ठीक है. तो हम इनको अगर मिलाते हैं तो टोटल कितने होंगे फिर 36. एक्चुअल है 35 लेकिन हो रहे कितने 36. ऐसे कैसे हुआ मतलब एक नंबर रिपीट हो रहा है और विच वन 18th वन. तो हम इन दोनों का सम निकालेंगे हमको नंबर निकालना है ना तो दोनों का सम निकालेंगे इनके सम में से इसका सम माइनस करेंगे जो रिपीटिंग हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 36 नंबर का आएगा एडिशन और यहाँ पे 35 का 36 में से 35 माइनस एक बच जाएगा और जो रहेगा वो 18th होगा. इज दैट क्लियर स्टूडेंट यस. तो सम कैसे निकालते हैं सी इसलिए मैंने आपको पहले लिखाया फ्रॉम मीन हाउ सम इज कैलकुलेटेड. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू मीन मल्टीप्लाई बाय ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो सम ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन मीन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एज इट इज गिवन इट इज 35 ऑब्जर्वेशन और मीन है 20. 20 मल्टीप्लाई बाय 35 700. सिमिलरली फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन फिर अब हम क्या करेंगे फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन एंड लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन का एडिशन करेंगे देन वी गेट दिस वैल्यू 720. इट इज ऑल अबाउट हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन टोटल 18 प्लस 18 यस 36. सो सम ऑफ लास्ट एंड फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन माइनस दिस 35 36 माइनस 35 सम ऑफ 36 ऑब्जर्वेशन माइनस सम ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन तो वन डिफरेंस आएगा 20 एंड दैट इज 18th ऑब्जर्वेशन. इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट. स्टिल यू फाइंड एनी डिफिकल्टी गो बैक टू वीडियो अगेन रिवाइंड इट
अगेन वॉच वन बाय वन स्टेप. फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन व्हाट इज गिवन. ओके स्टूडेंट, नाउ मूव टू द 10th वन. ओके स्टूडेंट, नाउ 10th वन. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन. व्हाट इज क्वेश्चन स्टूडेंट? यस अगेन सेम आई थिंक 9th जैसा ही है. द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 50. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट व्हाट इज गिवन. व्हाट इज गिवन स्टूडेंट? मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन. मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल्स टू 50. इट इज गिवन. अगेन देन वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वॉज रिमूव. 5 ऑब्जर्वेशन थे तो फिर क्या हो गया, एक ऑब्जर्वेशन को रिमूव किया तो कितने बच गए 5 में से 1 रिमूव करने पर? यस 4 रह गए, 4 रिमेनिंग. हेंस द मीन बिकम 45. अब एक ऑब्जर्वेशन जब 5 थे, इफ मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन 50, 1 रिमूव किया, 1 ऑब्जर्वेशन वॉज रिमूव, देन द मीन बिकम 45. सो स्टूडेंट 45 मीन हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन का मीन 45 है? यस 4 ऑब्जर्वेशन का, है ना. 5 का 50 है, 1 रिमूव किया है. सी सेंस 1 ऑब्जर्वेशन वॉज रिमूव्ड, देयरफॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, देयरफॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने रह गए स्टूडेंट? यस इज इक्वल्स टू 4. और यू कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो, 5 माइनस 1 दैट मीन्स 4. देयरफॉर मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन कितना हो गया स्टूडेंट? यस इट इज 45. जब 5 ऑब्जर्वेशन थे देन द मीन वॉज 50. वेन 1 ऑब्जर्वेशन वॉज रिमूव देन ऑब्जर्वेशन ऑफ 4, मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन कितना होगा? 45. इट इज गिवन ऑलरेडी इन द क्वेश्चन. नाउ हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? फाइंड द ऑब्जर्वेशन विच वॉज रिमूव. ऑब्जर्वेशन मतलब वो नंबर, नॉट मी. कौन सा नंबर रिमूव किया? 5 जो नंबर थे उसमें से एक नंबर जो रिमूव किया ना, व्हाट वॉज दैट नंबर, वो नंबर कौन सा था? सी टू फाइंड ऑब्जर्वेशन रिमूव. सी स्टूडेंट हमको 5 का पता है तो 5 की टोटल निकालेंगे, 4 का पता है 4 की टोटल निकालेंगे, तो 5 माइनस 4 जो 5 की टोटल आ रही थी ये माइनस 4 की टोटल डिफरेंस आएगा, तो जो डिफरेंस आएगा वो रिमूव हुआ होगा. इज दैट क्लियर? ओके तो हमको यहाँ पे पहले सम निकालना है. सी इफ मीन इज गिवन तो हम सम फाइंड करेंगे. सो सी स्टूडेंट फर्स्ट सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज द फॉर्मूला? यस मीन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो व्हाट इज द मीन? फर्स्ट 5 का 50 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5, सो इट इज यस 5 5 25 0 एज इट इज. नाउ स्टूडेंट फाइंड सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशंस. अगेन यस मीन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो यर मीन हाउ मच? यस 45.
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वन रिमूव आता तो फोर, स्टूडेंट फोर फाइव जा 20 कैरी टू, फोर फोर जा 16, 17, 18, सो इट इज 180. तो हमें क्या फाइंड करना है, देयरफॉर ऑब्जर्वेशन रिमूव, जो ऑब्जर्वेशन को रिमूव किया था वो कैसे आएगा, 5 माइनस 4 मीन्स सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस माइनस सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन. सी हाउ मच सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन 250, इट इज 250 माइनस सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन 180. व्हाट इज द आंसर स्टूडेंट, 0 माइनस 0 0, तो 5 है. सी स्टूडेंट तो ऐसे करेंगे हम वर्टिकली, 0 इट बिकम 15 इट बिकम 1, 1 माइनस 1 0, 15 माइनस 8 7, यस 70. सो स्टूडेंट द ऑब्जर्वेशन विच वॉज रिमूव्ड वॉज 70. यू कैन राइट इन दिस वे द लास्ट आंसर. हाउ वॉट सी द ऑब्जर्वेशन विच वॉज रिमूव वॉज 70. Is that clear all of you student? ये आपको सबको क्लियर हो गया. See again, what is given and what we have to find. What is given? Mean of 5 observation, that is 50. उन्होंने 4 नहीं बोला है, सिर्फ क्या बताया वहां पे, if one of the observation was removed, अगर एक ऑब्जर्वेशन को जो 5 थे रिमूव करेंगे तो कितने ऑब्जर्वेशन रहेगा स्टूडेंट, इट इज क्वाइट सिंपल, इफ देर आर 5, वन वॉज रिमूव देन 4 रिमेनिंग. तो फिर वो बोल रहे मीन बिकम, फर्स्ट वॉज मीन 50 था, देन मीन 45 होगा, तो 50 से 5 का 50 था तो 4 का 45. तो फाइंड द ऑब्जर्वेशन विच वॉज रिमूव. सी अगर हम सम, ये तो मीन है, हमको सम मतलब एक्चुअल हम नंबर लेते हैं, तो नंबर का इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे होता है, सम में होता है. तो अगर हम 5 नंबर का सम निकालेंगे, 4 नंबर का सम निकालेंगे, इफ वी कैलकुलेटेड सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन एंड सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन, 5 ऑब्वियसली बड़ा होगा 4 कम होगा, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे तो दो दोनों में जो डिफरेंस है जिस नंबर को हमने निकाला वो आएगा, और वही हमको फाइंड करना है, द नंबर और द ऑब्जर्वेशन विच वॉज रिमूव. तो सम का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू यस मीन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 50 फॉर 5 250, 45 फॉर 4 180, दोनों का डिफरेंस 70, एंड दैट वॉज द ऑब्जर्वेशन विच वॉज रिमूव. इज दैट क्लियर स्टूडेंट, यस. इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी देन अगेन, यस आपको पता है, गो बैक अगेन वॉच इट. नाउ स्टूडेंट मूव टू यस 11th वन. What is the question student? Read the question first. There are 40 student in a class. एक क्लास में कितने स्टूडेंट है, 40. Very simple. Now next. Out of them 15 are boys. 40 में से 15 boys है, so how many girls? Girls कितने हो गए, yes 40 minus 15, that is 25, है ना. The mean of marks obtained by boys, जो 15 बॉयज है उनके मीन मार्क्स कितने हैं, 33, एंड फॉर गर्ल्स 35. ये 35 गर्ल्स नहीं है, मीन में मीन, मीन ऑफ, सी उन्होंने बॉयज बोल के छोड़ दिया है, गर्ल्स कितने हैं वो मेंशन नहीं किया है, बट वी नो दैट टोटल इज गिवन, टोटल है 40,
आउट ऑफ दैट 15 आर बॉयज, तो 40 में से 15 अगर माइनस हो गए तो व्हाट आर रिमेनिंग, यस व्हाट इज रिमेनिंग, 25, एंड 25 इज द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो 15 बॉयज के मीन मार्क्स हैं 33 एंड 25 गर्ल्स के मीन मार्क्स हैं 35। फाइंड द मीन ऑफ ऑल स्टूडेंट, मतलब यहाँ पे सेपरेट सेपरेट दिया है आपको, मीन ऑफ 13 बॉयज, सॉरी मीन ऑफ 15 बॉयज एंड मीन ऑफ 25 गर्ल्स, और आपको पूछा है टोटल मीन्स, यस आपको फाइंड करना है मीन ऑफ 40 स्टूडेंट, टोटल कितने 40 है ना, 40 के, इज दैट क्लियर स्टूडेंट, यस। तो कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल है, फर्स्ट राइट व्हाट इज गिवन, अगर हम ऐसा लिखेंगे तो हमको सॉल्व करने में इजी होता है स्टूडेंट, व्हाट इज गिवन, यस टोटल स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट, यस 40, आउट ऑफ 40 नंबर ऑफ बॉयज कितने स्टूडेंट, इट इज गिवन दैट आर 15 बॉयज, देयरफोर नंबर ऑफ गर्ल्स हाउ मच स्टूडेंट, गर्ल्स कितने होंगे, क्वाइट सिंपल 40 माइनस 15 दैट इज देर आर 25 गर्ल्स एंड 15 बॉयज, 40 में से 15 बॉयज है एंड 15 25 गर्ल्स है, ओके अगेन व्हाट इज गिवन, मीन मार्क्स ऑफ बॉयज एज वेल एज मीन मार्क्स ऑफ गर्ल्स, मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बॉयज या मीन मार्क्स ऑफ बॉयज एंड मीन मार्क्स ऑफ गर्ल्स कितने हैं, मीन मार्क्स ऑफ बॉयज कितना है, मीन 33 है ना, द मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बॉयज इज 33 एंड दैट ऑफ गर्ल इज 35, यू कैन राइट मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बॉयज और ऑफ बॉयज, इज दैट क्लियर, नाउ स्टूडेंट अगेन मीन इज गिवन, तो हम क्या निकालेंगे पहले, यस सम निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे सम, देयरफॉर और हमें फाइंड क्या करना है स्टूडेंट, टू फाइंड, फाइंड क्या करना है, टू फाइंड यस मीन ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, मीन ऑफ टोटल स्टूडेंट, मीन का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमको सम पता नहीं है स्टूडेंट, तो हम पहले सम, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने है, टोटल कितने बॉयज है, स्टूडेंट्स हैं 40 है, हमें सम नहीं पता है तो हम सम निकालेंगे, लेकिन सम डायरेक्टली नॉट गिवन, हाँ लेकिन मीन ऑफ बॉयज दिया है, मीन ऑफ गर्ल दिया है, इस पर से हम दोनों की सम निकालेंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो गर्ल्स का सम और बॉयज का सम टोटल स्टूडेंट, ओके नाउ लेट्स फर्स्ट फाइंड सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बॉयज, कैसा आएगा स्टूडेंट फॉर्मूला, यस मीन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बॉयज, व्हाट इज द मीन, मीन इज 33 एंड हाउ मेनी बॉयज, यस देर आर 15 बॉयज, तो कितना होगा 15 3 जा, बहुत सिंपल है 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, कैरी 4, अगेन 15 3 जा 45 प्लस 4 49, सो मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बॉयज, सॉरी सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बॉयज 495, नाउ सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय गर्ल्स, सी स्टूडेंट
जिसका मीन दिया उनका सम निकालना है। बॉयज का मीन है उसका सम निकालें, गर्ल्स का मीन है उसका सम। बॉयज और गर्ल्स को मिलाएंगे तो क्या होगा, टोटल सम ऑफ 40 स्टूडेंट। यस, तो यहाँ पे अगेन फॉर्मूला मीन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ गर्ल्स। कितना है मीन स्टूडेंट? यस, नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड बाय गर्ल्स मीन है 35 एंड हाउ मेनी गर्ल्स? यस 25। सो स्टूडेंट 25 टेबल, 25 5 125 कैरी 12, 25 3 जा 75, ऐड करने पर 78 मीन 875। नाउ अब हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट? यस, सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड बाय 40 स्टूडेंट। सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड बाय ऑल स्टूडेंट्स मींस टोटल बॉयज एंड गर्ल्स। फॉर बॉयज हाउ मच? 495 प्लस फॉर गर्ल्स 875। तो टोटल कितना हुआ स्टूडेंट? 5 5 first number is 495 875 10 carry 1 9 1 10 plus 7 17 again carry 1 8 plus 4 12 plus 1 13 so it is 1370. So it is what student? Sum of marks obtained by all student। लेकिन हमें ये नहीं find करना है, हमें क्या find करना है? Mean of total students। Therefore क्या फॉर्मूला है मीन का? मीन ऑफ ऑल स्टूडेंट, द मीन ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। यहां पे हम लिखेंगे सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय टोटल स्टूडेंट। क्या है स्टूडेंट फॉर्मूला मीन का? मीन इज इक्वल्स टू यस सम ऑफ टोटल स्टूडेंट्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। नॉर्मल मीन का फॉर्मूला यस सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब नंबर ऑफ टोटल नंबर। सो यर सम कितना है स्टूडेंट हमने फाइंड किया? यस 1370 एंड टोटल हाउ मेनी स्टूडेंट्स? यस 40, नो बॉयज गर्ल नहीं, टोटल इट 40। नाउ 00 कैंसल, नाउ डिवाइड स्टूडेंट 137 विद 4, 4 3 जा 12 माइनस 1 रिमेनिंग 7 लेके आए, 4 4 जा 16 अगेन 1 रिमेनिंग पॉइंट लेकर 0, 4 2 जा 8 2 रिमेनिंग अगेन पॉइंट है 0 ले लो 20 हो गया, 4 5 आ 20 0 तो आंसर इज 34.25। सो इट इज द मीन ऑफ टोटल स्टूडेंट। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? सी अगेन वन मोर टाइम व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। यस सी देयर आर टोटल 40 स्टूडेंट आउट ऑफ विच 15 आर बॉयज, तो रिमेनिंग ऑब्वियसली गर्ल्स होंगे, तो कितने हैं? इट इज नॉट गिवन। हम कैलकुलेट कर सकते हैं 40 में से 15 को माइनस कर दिए दैट इज 25। सो आउट ऑफ 40 15 आर बॉयज 25 आर गर्ल्स। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट आपको दिया है कोई टेस्ट हुआ है तो मार्क्स ऑफ बॉयज मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बॉयज 33 एंड मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय गर्ल्स 35। तो फाइंड द मीन ऑफ यस ऑल द स्टूडेंट, द 40 स्टूडेंट का मीन कैसे फाइंड करेंगे? सी स्टूडेंट सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय, यहां पे
आपको सेपरेट सेपरेट दिया है, तो आपको पहले मीन है, हमको एक्चुअल सी टोटल मीन आपको निकालना है। तो आपको क्या चाहिए स्टूडेंट, मीन कैसे फाइंड करते हैं? मीन इज इक्वल टू, यहाँ पे मीन गिवन है लेकिन यहाँ पे मीन फाइंड करना है। तो आपको क्या गिवन है स्टूडेंट? यस, मीन मार्क्स ऑफ बॉयज, मीन मार्क्स ऑफ गर्ल्स। तो आपको मीन मार्क्स ऑफ, मीन ऑफ टोटल निकालना होगा, तो आपको चाहिए सम ऑफ टोटल अपॉन नंबर। नंबर पता है आपको, टोटल नंबर है 40, तो सम पता नहीं ना स्टूडेंट आपको, तो सम कैसे फाइंड करेंगे? यस, तो आप पहले मीन पता है इसलिए आप बॉयज का सम निकालो, कितने उनके मार्क्स का सम एक्चुअल कितना होता है, क्योंकि ये मीन है, मीन पर से हम सम निकालेंगे फॉर गर्ल्स एंड फॉर बॉयज, और दोनों के सम को मिलाएंगे तो ये क्या होगा? यस, सम ऑफ ऑल स्टूडेंट और टोटल स्टूडेंट। जब सम ऑफ टोटल स्टूडेंट मिल जाएगा, उसको डिवाइडेड बाय 40 करेंगे तो आपको मीन मिल जाएगा। तो सम कैसे निकालते हैं मीन पर से? यस, सम इज इक्वल्स टू मीन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फॉर बॉयज के लिए हाउ मेनी बॉयज? 15, और उनका मीन था 33, ये इतना सम आ गया, एक्चुअल सम ऑफ मार्क्स। फॉर गर्ल्स इतना, दोनों मिलाएंगे तो टोटल होगा, तो इट इज इतना, इस मीन के फॉर्मूले में पुट करना है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? वेरी सिंपल। इफ यू वॉन्ट सी स्टूडेंट, आप अगर जब तक क्वेश्चन ठीक से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे ना, तो फिर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो रीड क्वेश्चन वर्ड बाय वर्ड केयरफुली एंड मेंशन व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, तो आपको बहुत इजी होगा। अगेन वॉच वन मोर टाइम, वन स्टेप बाय स्टेप कैसे किया है, ये स्टेप में क्या किया है, एंड देन अगेन गो बैक, अगेन वॉच इट एंड देन पॉज एंड ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ। ओके स्टूडेंट, सी जस्ट डोंट कॉपी एज इट इज फ्रॉम बोर्ड। बोर्ड से आप, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको रिटर्न है, तो आप सिर्फ नोटबुक निकालेंगे और लिखेंगे, दैट इज ऑफ नो यूज। ओके स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टेप जो है आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट 12th one।